अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मैं भाइयों की तरफ ही हूँ और आज मैंने शाम को वापस भी चले जाना है। और आज बड़ी भाभी जो है ना उनकी बर्थडे भी है। बड़ी भाभी की बर्थडे पर ना उनको बहुत ही अनोखा सरप्राइज़ मिला, वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊँगी। तो अभी छोटी भाभी जो है ना यहाँ पर जूस बना रही हैं। तो दोपहर का टाइम है क्योंकि मैंने दोपहर से ही आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, ये हेल्दी इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है। तो मैंने कहा था चलें हमारे लिए भी बना दे, तो वो सबके लिए यहाँ पे भाभी बना रही हैं। बहुत ही मज़े का रिफ्रेशिंग जूस था जिसमें चुकंदर, गाजर और इसके अलावा किन्नू, माल्टे वगैरह डाले थे। बहुत ही मज़े का बना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे घर का पेंट स्टार्ट हुआ है, तो आज मैंने शाम को वापस जाना था। तो मैंने कहा चलें मैं ना हांडी बना लेती हूँ, बना के साथ ले जाती हूँ। तो भाभी कह रही थी कि सब्जियां चिकन वगैरह पड़ा हुआ है तो आप बना लें जो भी आपका दिल करता है। तो मैंने कहा साथ ले जाऊंगी, तो क्योंकि वहां पे घर में तो पाँव रखने की जगह नहीं है, जितना खलार पड़ा होना है तो किचन भी समेटने वाला है, साफ़ करने वाला है, तो वहां तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी एक दो दिन, इतना ज़्यादा वहां पे मैस हुआ होना है। तो मैंने कहा चले ठीक है मैं ना बना लेती हूँ। यहाँ पे भी मैंने कद्दू पड़े हुए थे, साथ में थोड़ा सा चिकन मैंने डाल के, तो कद्दू शोरबे वाला जो सालन होता है ना वो मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे सालन बन चुका था और अभी हम लोग जाने लगे हैं बड़े भाई की तरफ। पहले पहले हमने कहा चले शकरकंदी खा लेते हैं, तो भाभी ने बनाई थी साथ में, इसमें ये माल्टा ने छोड़ा था और चाट मसाला। मैंने छोड़ने लगी तो मेरे साथ एक बहुत ही बुरी ट्रेजेडी हुई, तो अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं था कि इसका ढक्कन जो है ना वो लूज़ है। जब मैं डाल रही थी ना साथ में वीडियो भी बना रही थी एक हाथ से, तो मैं ज़ोर से उसको ऐसे किया तो वो सारा मसाला जो है ना वो नीचे गिर गया। बहुत ही बुरा हुआ। तो खैर उसके बाद फिर चाय शाय पी असमा और मैंने, और उसके बाद फिर हम लोग ना अभी जाने लगे हैं बड़ी भाई भाभी की तरफ, क्योंकि उनकी आज बर्थडे है तो हमने उनको विश भी करना था और वो ना खाना शाना भी बना रहे हैं। तो जाके देखते हैं वो क्या बना रही हूँ और आपसे भी मुलाकात करवाती हूँ। बर्थडे गर्ल यहाँ पे टमाटर काट रही हैं। और बर्थडे गर्ल कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस बच्चों ने जो है ना मत मचाई है। हैप्पी बर्थडे मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी। आज ये बर्थडे गर्ल हैं और बर्थडे गर्ल यहाँ पे बिरयानी बना रही हैं। यहाँ पे अस्का भाभी की यूट्यूब फैमिली के लिए रेसिपी शूट हो रही है। ये अस्का भाभी भी है। यहाँ पे अज़का भी है, अज़का भी व्लॉग बना रही है। अज़का क्या बना रही हो? मैं भाभी जो है वो बिरयानी बना रही है, तो मैं उसकी रेसिपी प्रॉपर शूट करके अपने व्यूअर्स को देने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। देखो स्मा रानी व्लॉग कह रही है मैं चाह पीनी हूं। ये तेरा चाह तो बगैर नशा नहीं टूटता। ये चाय की बहुत शौकीन है, कह रही है मुझे चाय के बगैर ऐसे लगता है कि जैसे मैं ना मुर्दा मुर्दा फिर रही होती हूँ। ये दो तीन दफा ना लाजमी चाय पीती है। मेरी छनी मिन्हा, मेरी पाली मिन्हा। तो बच्चे जो है ना वो सारे इकट्ठे हुए हुए थे और खूब इंजॉय कर रहे थे, और भाभी जो है ना वो बिरयानी बना रही थी हम सबके लिए, और मिन्हा को फिर उन्होंने रेडी किया। माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी मिन्हा। आज तो लग रहा है मिन्हा की बर्थडे है। असरा तुम भी पिंक ड्रेस पहन के हेयर बैंड लगा लो। पहना बस हेयर बैंड लगा लेती हूँ। हाँ मम्मा की और मिन्हा की बर्थडे हो जाएगी। तो यहाँ पे बिरयानी जो है ना वो रेडी हो रही है, तो अज़का भाभी जो है ना वो बिरयानी की रेसिपी जो है वो शूट कर रही हैं और वो अपने चैनल पे ही इसकी रेसिपी जो है ना वो बताएंगे। क्योंकि मेरी सारी भाभियाँ माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी भी बनाती हैं, सारे खाने ही बहुत अच्छे वो बनाती हैं। तो साथ में भाभी ने यहाँ पर कुछ उमर सैलड भी बनाया था बिरयानी के साथ खाने के लिए, और इसके अलावा साथ गार्निश के लिए भी उन्होंने सामान रेडी किया हुआ था जिसमें थे लेमन थे, और इसके अलावा हरा प्याज था और पुदीना और धनिया था। और यहाँ पे बिरयानी बस रेडी हो चुकी है, अब लेयर्स लगा देंगी। और छोटे भाई भाभी जो है ना उन्होंने कहा था कि हमें मैसेज कर देना जब बिरयानी रेडी होने वाली होगी, तो हम भाभी के लिए ना एक सरप्राइज़ लेकर आएंगे। तो फिर मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। मैंने उनसे कह के ना मैंने भी कुछ सरप्राइज़ भाभी के लिए मंगवा लिया था। खास सरप्राइज़ तो नहीं था, लेकिन जो भी था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो छोटे भाई भाभी ने भाभी को सरप्राइज़ दिया ना वो बहुत अमेजिंग था, वो आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो व्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक कर दें और चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। और यहाँ पर मिन्हा जो है ना वो जिराफ पे झूले भी ले रही थी, और साथ साथ बीहा कह रही थी लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। साथ बच्चे खुश हो रहे थे यहाँ पे। तो बिरयानी बस रेडी होने वाली है, मैं आपको ना इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और साथ अभी ने छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे कुछ बनाया था, दलिया वगैरह पता नहीं क्या था वो। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी की लुक कितनी अच्छी आई है, और अभी इसकी लेयर्स लग चुकी हैं।
साथ में गार्निश का सामान इसके अंदर जा रहा है और फिर इसको दम पे लगा देंगे आई थिंक 5 मिनट के लिए। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी हुई ना तो आप भाभी के चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह इतनी मज़ेदार, इतनी ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट चिकन इसके अंदर जो था ना वो बहुत ही सॉफ्ट था, क्योंकि मुझसे चिकन खाया नहीं जाता, मेरे दांतों में फंस जाता है। तो मैं भाभी से कह रही थी कि आपने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, चिकन तो इतना जूसी और सॉफ्ट और टेंडर हुआ हुआ था कि मज़ा आ गया बिरयानी का। तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, अब्बू को भी बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद आई थी। तो यहाँ पे बस खाना लग गया, फिर हम लोगों ने बिरयानी वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो अस्मा भी सेट होकर बैठ गई थी बिरयानी खाने के लिए। तो ये फैमिली का तड़का वाले भाई जो है ना ये भी शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि इनका चैनल है ना आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये छोटे भाई भाभी बैठे हुए हैं, सारे यहाँ पे कर रहे हैं, खा रहे हैं, बिरयानी सर्व की जा रही है सबको। और उसके बाद हम लोगों ने केक काटना है भाभी का, फिर भाभी को एक सरप्राइज़ देना है। तो देखते हैं वो सरप्राइज़ क्या होता है, आप लोगों को भी क्यूरियस हो रहे होंगे देखने के लिए वो सरप्राइज़ है क्या। वो बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, भाभी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो खैर यहाँ पर फिर सब ने बिरयानी खा ली थी और अब जो है वो भाभी यहाँ पे केक काटेंगे। वैसे कोई प्लानिंग वगैरह तो नहीं थी, बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि हम लोग खास प्लानिंग करके बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस करके बड़ों की बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते, बच्चों की कर लेते हैं, बड़ों की बस ऐसे ही केक हल्ली काटा जाता है, यहाँ एक आधी डिश बनाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इहतमाम नहीं किया जाता, बस शुगल मेला हो जाता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मज़ा आता है बस, और तो कुछ नहीं होता। खैर यहाँ पर भाभी ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया था, तो यहाँ पे कैंडल चलाई और लाइट ऑफ की और फिर सारे बच्चों ने ना फूंक मार के कैंडल को बुझा दिया। तो लिशा रोने लगी, कहती मैंने बुझाना था, फिर दोबारा से लिशा के लिए कैंडल जलाई। फिर लिशा ने केक काटा और फिर वो खुश हो गई मम्मा का केक काट के ना। तो ये बहुत ही मज़े का केक भाई बनवा के लाए थे, एक साइड पे चॉकलेट का था और एक साइड पे था पाइनएप्पल केक। तो मैंने कहा मेरी यूट्यूब की फैमिली जो है ना उनको भी टेस्ट करवा देती हूँ, वो भी टेस्ट कर लें, ये लें, ये आप सबके लिए और भाभी की तरफ से केक और आप सबकी तरफ से ना मैंने भाभी को हैप्पी बर्थडे भी कह दिया है, क्योंकि वो भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हैं और आप लोग कहते हैं कि आपकी भाभी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। अच्छा खैर तो ये है वो सरप्राइज़, ही देखते हैं कि क्या है। अभी भाभी ना पढ़ रही थी पहले, ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना छोटी भाभी ने विशेज़ लिखी हुई थी, तो भाभी वो पढ़ रही थी कि इसको खोलने के बाद आपने हमें जूते नहीं मारने और पता नहीं क्या क्या लिखा था, और बेस्ट विशेज़ और बहुत सारा प्यार लिखा हुआ था। पहले उन्होंने दो सरप्राइज़ बुलाए थे ना, एक तो ये बिस्किट्स थे, ये शुगर फ्री जो बिस्किट थे ये लेकर आए थे, और दूसरा ये बॉटल है, ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो अभी भाभी यहाँ पे ओपन कर रही हैं और साथ साथ ना हम लोग हंस भी रहे थे, भाभी कहते लगता है वाइन की बॉटल ले आए। तो ये थी ऑलिव ऑयल की बोतल, जो हांडी में हम लोग ऑलिव ऑयल बनाते हैं ना, जो हेल्दी जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है ना वो लोग यूज़ करते हैं। तो हम सारे इतना हंसे और भाभी कहती वाकई ये बहुत अच्छा गिफ्ट था मेरे लिए, तो मैं ये लेते लेती रह गई। फिर अस्मा ने भाभी को चॉकलेट्स दी, अस्मा चॉकलेट्स अस्मा लेकर आई थी भाभी के लिए, भाभी बहुत ज़्यादा खुश हुई चॉकलेट्स लेके। और फिर मैंने कहा चलें जो मैंने मंगवाया था वो भी आप ओपन करें, तो अभी वो ओपन हो रहा है। तो एक में थे मिक्स बिस्किट्स मैंने दिए थे भाभी को, और दूसरे में पैटीज थी, ये मैंने छोटे भाई भाभी से मंगवाया था, तो ये भी भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। भाभी कहते ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा है, अनहेल्दी के साथ हेल्दी, हेल्दी के साथ अनहेल्दी, यानी कि जंक फूड भी और हेल्दी भी। फिर उन्होंने सारे गिफ्ट्स जो है ना वो सेट करके रखे और हम लोगों ने इतना शुगल मेला लगा और बहुत मज़ा आया। तो खैर उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई, तो अभी मैं आपको ना अपने घर की हालत दिखाती हूँ। अच्छा गाइज मैं इस वक्त घर आ चुकी हूँ और घर की हालत जो है ना वो ना काबले दीद है। ये देखे 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 घर की हालत, किचन सारा पेंट हो गया हुआ है, ये देखिए सिंक, ये देखिए सारा साफ सुथरा हो गया मेरा किचन, लेकिन ये है कि बहुत ही बुरे हालात हैं। ये देखिए बर्तन रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। अभी अभी मैं घर आई हूँ तो मैंने कहा पहले मैं विज़िट कर लेती हूँ, सारे घर की हालत ये हुई हुई है। ये देखें वो ना, दरअसल मुझे एक कमेंट आया था कि ये शीट उतरवा के ना आप पेंट करवा लें और बाद में नया वॉलपेपर लगवा लें, तो मैंने कहा इतना झंझट करने की क्या ज़रूरत है, घर वैसे ही छोड़ देना हमने कुछ महीनों में, तो ठीक है इतना ही काफ़ी है जितना पेंट हो गया हुआ है। ये देखिए ना कितना साफ सुथरा सा हो गया हुआ है, ये देखिए किचन, यहाँ पे इतना बुरा हालात थे ना, फ्रिज काम पहुंची हुई है, और ये देखिए, ये देखिए टीवी लाउंज की हालत, और ये देखिए कितना साफ हो गया ना, ये देखिए सारा साफ सुथरा हो गया माशाल्लाह, लेकिन ये जो खलार खलार मचे पड़े हैं इनका पता नहीं क्या बनना है।
देखिए अभी पूरा घर धोना पड़ेगा और इस कमरे का भी हाल दिखाती हूँ मैं आपको। लाइट ऑन कर लूँ ज़रा। ये देखें इधर बेड जो है ना वो खोला हुआ था, बेड के पीछे वाली साइड पे इधर चादर डाली थी, बेडशीट डाली थी ताकि वो ना ऊपर ना आए, पेंट ना गिरे। और इसकी दीवारें देख ले, इधर LCD भी उतार ली थी। तो ये देखिए ये कितना साफ हो गया। सबसे ज़्यादा जो है ना वो बुरी हालात जो थे ना इस कमरे के थे। तो ये देखिए माशाल्लाह सारा पेंट हो गया हुआ है, ये देखें। लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है, अभी मासी को बुलाना पड़ेगा। ये सारा पेंट जो है ना ये सारी साइडें धुलवानी है, फर्श सारा धुलवाना है, फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी मैंने कहा बिफ़ोर एंड आफ्टर का आप लोगों को विज़िट दूंगी। ये बिफ़ोर है पेंट करवाने से, नहीं पेंट करवाने के बाद है, आफ्टर है, लेकिन समेटने के बाद कभी दिखाऊंगी आपको। ये देखें ये किचन के बर्तन जो है ना ये बाहर बिखरे पड़े हैं। ये देखें ये भी देखें और वो भी देखें। ये बेड खुला पड़ा है यहाँ पे, ये मेरे रूम वाला नहीं दूसरे रूम वाला है। और मैंने काम वाली ढूंढ के दिया याद रखना। और अभिया ने काम वाली कहती मैंने ढूंढ के दिया याद रखना। बाहर सफाई एक करी थी हमने, उससे पूछा कि आके सफाई कर दो। ये देखे बाहर भी सारा जो सामान है ना वो बाहर आया पड़ा है, सोफे बाहर पड़े हैं, ये आयरन टेबल बाहर पड़ी है। ये वॉशिंग मशीन की हालात देखे, ये किचन के ये आयरन टेबल और ये देखे। हाँ मेरे गमलों को भी, हाय मेरे गमलों को क्या हो गया, ये बिल्ली ने क्या हरकत की है। मुझे लगता है ये बिल्ली की बच्ची जो है ना ये सारा धनिया ख़राब कर गई है। धनिया इतना अच्छा हो गया और ये पुदीना माशाल्लाह मेरा पुदीना भी बहुत अच्छा हो गया। और ये बाहर वाला सेहन है, ये तो मैंने आपको दिखाया था ना पेंट होने के बाद साफ़ सुथरा हो गया। ये देखिए सारा, अभी सारा घर सेट होने वाला है, फिर मैं आपको होम टूर दूँगी। अभी बहुत बुरे हालात हैं, ये देखें सारा घर खलारो खलारी पिया हो। तो तुम हम कहना कि खलारो खलारी की हुंदा वे, खलारो खलारी का मतलब मैसी मैस होया पिया। फ्रिज भी साढ़े ते होई पई है, तो वेखो कितने पहुंची हुई है। हम चुकना पैना, मैं सोच रही हूँ कि पहले ना पर्दे दुलवा लेती हूँ। ये जो पर्दे हैं ना ये भी उतरवाए हैं सारे, तो ये धोने पड़ेंगे फिर ही लगवाऊंगी। और ये देखें ये वॉशरूम का सारा सामान यहाँ आया पड़ा है। और ये देखें ये भी देखें क्या हालात है, अल्लाह माफ़ करे। अब मैं इतना ज़्यादा अकेली कैसे समेटूंगी, मेरी तो बुरी हालत होने वाली है। और ये देखें बेड का सामान और ये भी, और किचन को देख के बड़े दुख हो रहा है। सबसे पहले ना मुझे किचन की सफाई करवानी है और फिर मैं जो है बाकी काम करवाऊँगी।